बताएं, गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक पूरे 10 दिनों तक देश भर में गणेश महोत्सव की धूम रहती है। वहीं अधिकांश जगहों पर पितृपक्ष में भी गणेश विसर्जन का दौर होता नजर आया। गणेश चतुर्थी से शुरू हुए गणपति उत्सव का अनंत चतुर्दशी पर समापन हुआ। वहीं 10 दिनों तक देश भर में गणेश महोत्सव की धूम रही। साथ ही अनंत चतुर्दशी के शुभ मुहूर्त पर बप्पा का विसर्जन भी किया गया। उनसे अगले बरस जल्दी आने की कामना करते हुए विशाल मूर्तियां और घरों में विराजित की गई थी। प्रतिमाओं को नदी तालाब में विसर्जित किया गया। वहीं इसी कड़ी में दुर्ग के शिवनाथ नदी में प्रतिमाएं विसर्जन का दौर पितृपक्ष में भी होता रहा। लोग बड़ी संख्या में पुलगांव स्थित शिवनाथ नदी किनारे पहुंचकर अपने घरों व पंडालों में विराजित की गई प्रतिमाओं को लेकर नजर आए। वहीं जिला प्रशासन की उत्तम व्यवस्था के साथ मछुआरे संघ के द्वारा नदी किनारे गणेश प्रतिमाएं विसर्जित करने इंतजाम किए गए थे। इस संबंध में मछुआरे संघ के लोगों ने न्यूज टीम के समक्ष कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया दी। ये है जो समूह में मिलना चाहिए वो प्रशासन को नहीं मिल पा रहा। किस तरह की आप लोगों की सोच है, क्या मिलना? सोच यही है कि अपने को आगे चल के भविष्य में प्रशासन का प्रशासन करने का, इसमें भी हमारा देखो हम ऐसे कर रहे हैं कि मतलब का ताना लगा रहे हैं लेकिन प्रशासन देख के चले जाते हैं। पब्लिक को भी संभाल रहे हैं। गणेश विसर्जन की जो तैयारी चल रही है बहुत अच्छे से तैयारी हो रही है। प्रशासन भी अपने ड्यूटी कर रहे हैं, हर चीज़ का सपोर्ट मिल रहा है और बेटर है सब नियम से पूरा पालन कर रहे हैं, तो नियम को पूरा फॉलो करके। मछुआरा संघ के कितने लोग इसमें लगे हुए हैं? मछुआरा संघ के 25 लोग हैं टोटल और 3 दिन में यह ढीमा समझती हैं। हम लोग गोता भी खोद हैं, यहाँ पे जो भी कांड हो जाता है उसको हम संभालते हैं, यहाँ पर संभालते हैं भैया। और शासन से हमको कुछ नहीं मिलता भैया, है ना। और जो जो इसमें हमारा नाव बना है ना, वो हमारा मेहनत से बना है, हमारा वसूल है। और यहाँ का नियम है ढीमा समाज का मछंदर मल्लाल का, है ना, आगे का पात। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।